एलडीएम की व्यापक रूपरेखा को परिभाषित करने में श्रीमती सोनिया गांधी जी श्री राहुल गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया आप सभी को मालूम है एलडीएम के बारे में बहुत विस्तार रूप से उदयपुर नवसंकल्प शिविर में सी सी में चर्चा हुआ एक डिसीशन डिक्लेयर हुआ पूरा देश में एस सी एस टी में एल डी एम एक मिशन तरह कांग्रेस पार्टी इंप्लीमेंट करेंगे और हॉनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग चार्ज एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग किया वो मीटिंग में बहुत स्पष्ट रूप से हम सभी को चारों डिपार्टमेंट्स को मार्गदर्शन किया एलडीएम को कैसा आगे लेके जाना एस सी एस टी माइनॉरिटी लीडर्स को कैसा पहचाना कैसा डेवलप करना और इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को विक्ट्री कैसा हासिल करने में कैसा मदद देना ये सभी के बारे में ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हमको इंस्पिरेशन दिया दिया सिंस देन हम सभी एलडीएम काम में लगे हुआ अभी तक पूरा देश में कम से कम 212 हंड्रेड ट्वेल्व टी ऑफ फोर स्टेट्स गोइंग फॉर इलेक्शंस में बहुत एक्ट ट्यूवली एल काम हम शुरू किया हर एक असेंबली कॉन्स्टुन्सी में एक एल डी कोऑर्डिनेटर को हम नियुक्त किया और एल डी कोऑर्डिनेटर्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ एक ट्रेनिंग भी दिया और उनका प्रोग्रेस हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे उनसे उनके अलावा 240 जनरल सीट्स इन 61 वन पार्लियामेंट कॉन्स्टुन्सीज हम केवल एस सी एस टी में काम नहीं कर रहे हम जो एस सी एस टी पार्लियामेंट सीट्स में जनरल सीट्स है वो सीट्स में भी हम काम कर रहे ताकि वो सीट्स से भी हमको ज़्यादा वोट मिलना चाहिए हमारा कांग्रेस कैंडिडेट जीतने के लिए सो इन टोटल एज एन टूडे हम 500 हंड्रेड कॉन्स्टिटेंसीज में काम कर रहे मेरा उम्मीद है नेक्स्ट दो महीने में और 500 हंड्रेड में दूसरा स्टेट्स में हम रोल आउट करेंगे ताकि एक दो महीने में पूरा देश में एल डी एम थाउजेंड कॉन्स्टिटुंसीज में शुरू होगा उसी दिन हम सेलिब्रेट करेंगे एक एल डी एम सम्मेलन करके मैं राहुल जी को भी निवेदन दिया वो सम्मेलन में वो मौजे मौ, वो हाज़िर होंगे हम सभी को इंस्पायर करेंगे और मैं आपको क्यों असेंबली कॉन्स्टिटुएंसी का नंबर दिया क्योंकि एल डी एम में थिएटर फॉर एक्शन इज असेंबली कॉन्स्टिटुएंसी इसलिए हर एक असेंबली कॉन्स्टिटुएंसी को हम एक एल डी एम को अपॉइंट किया उनको ट्रेनिंग दिया और हर एक असेंबली कॉन्स्टिटुएंसी में एक असेंबली कोऑर्डिनेशन टीम हम गठित किया हर एक कॉन्स्टिटेंसी में एक असेंबली कोऑर्डिनेशन टीम आप सभी को मालूम है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस असेंबली कोऑर्डिनेशन टीम हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द असेंबली कोऑर्डिनेशन टीम हमारा डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन द मेंबर्स फ्रंटल हेड्स आर द मेंबर्स और एलडीएम और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आर द मेंबर्स इन दैट असेंबली कोऑर्डिनेशन टीम एलडीएम डी एम असेंबली कोआर्डिनेट इज अ कन्वीनर ये असम्बली कोऑर्डिनेशन टीम हर एक 15 डेज एक बार मिलेंगे वो असम्बली कोऑर्डिनेशन टीम में वो कॉन्स्टुन्सीज में जो कांग्रेस लीडर इलेक्शन में फाइट किया जो पार्लियामेंट में असेंबली में लोकल बॉडीज में फाइट किया वो सभी हाजिर होंगे वो चर्चा करेंगे कौन है इस्टेब्लिश लीडर्स वो कॉन्स्टिटुंस में उनको कैसा आगे बढ़ाना यंग लीडर्स कौन है उनको क्या प्रोग्राम देना कैसा आगे बढ़ाना वो चर्चा करेंगे नेक्स्ट मिनट्स नेक्स्ट फिफ्टीन डेज वो इम्प्लीमेंट करेंगे और फिफ्टीन डेज के बाद और एक मीटिंग करेंगे एवरी फिफ्टीन डेज ये मीटिंग होगा लाइक दैट ब्लॉक कोऑर्डिनेशन टीम ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रेसिडेंट चेयरमैन होगा वो ब्लॉक स्तर पर भी फिफ्टीन डेज एक मीटिंग ब्लॉक लेवल पर डिपार्टमेंटल हेड्स फ्रंटल हेड्स मिलके काम करेंगे ये एल को मिशन क्यों बुलाते ये मिशन है उनका लॉन्ग टर्म गोल ये है ये लॉन्ग टर्म गोल ये है हर एक एस सी एस टी में एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी लीडर्स को डेवलप करना ताकि वो उनका कम्युनिटी में काम करेंगे वो कम्युनिटी में उनका रिश्ता बढ़ेंगे वो कम्युनिटी का दर्द समझेंगे वो कम्युनिटी का इश्यूज़ पर काम करेंगे वो ये एल का लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल ये होगा ये एल प्रोग्राम से हम ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा कैंडिडेट को जीत हासिल होगा मैं कभी बार आप सभी को अवगत किया एल डी एम इज़ नॉट अबाउट सेलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एल डी एम इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग द ग्राउंड प्रिपेयरिंग लार्ज नंबर ऑफ़ एस एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी लीडर्स ताकि वो उनका कम्युनिटी में काम करेंगे